खबर झारखंड से है। झारखंड के संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी में है केंद्र, यह नहीं चलेगा सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जीएसटी पर राज्य सरकारों को उलझाए रखने का खेल खेल रही है। केंद्र सरकार की इन चालों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार इस विषय पर पूरी तैयारी के साथ हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य के संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के धनंजय मांझी ने गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने चलाई 1176 किलोमीटर स्कूटी। पत्नी की याद में पहाड़ चीर देने वाले दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता। कुछ उन्हीं की तरह झारखंड के ही मांझी समाज के धनंजय कुमार गर्भवती पत्नी सोनी हेमरम को डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलाने के लिए स्कूटी से ग्वालियर के पद्मा कन्या विद्यालय पहुंच गए। धनंजय झारखंड के गोड्डा जिले के गंगटा गांव टोला के रहने वाले हैं। मेरे पापा का दाह संस्कार करवा दीजिए, कोरोना से हुई मौत के बाद बेटी ने लगाई गुहार। प्लीज मेरे पापा का कोई अंतिम संस्कार करवा दीजिए, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मेरी माँ और पूरा परिवार खाने पीने की स्थिति में नहीं है। जल्द अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो क्वारंटाइन हालत में मेरे परिवार के बाकी सदस्यों का भी हो सकता है। यह कहना है डकरा के सीसीएल कर्मी जय गोविंद की पुत्री उषा कुमारी का। कहना है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके पिताजी का निधन 29 अगस्त को रांची के पारस अस्पताल में हो गया था। बताया गया कि आप लोगों को सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा और शव को प्रशासन हरमू मुक्ति धाम ले जाकर अंतिम संस्कार करेगा। इसके बाद वहां जो एम्बुलेंस आई वह शव लेकर रिम्स चली गई, तब से शव वहीं पड़ा हुआ है जिसका बॉक्स नंबर 30 है। पूछने पर रिम्स प्रबंधक में बैठे लोग फोन पर ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। 12,000 अभिभावकों में से कुछ ने की स्कूल खोलने की मांग, बोले जाने तो यह है जहान। झारखंड में शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल खोलने जाने को लेकर किए गए सर्वे पर झारखंड पेरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा सिर्फ 12,000 लोगों का सर्वे किया गया है, जिसमें से कुछ लोगों ने ही स्कूल खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में सरकार को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ताकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है ऐसे में स्कूल खोलना अभी उचित नहीं होगा। वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, जल्द से जल्द हम लोग उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन भी हम लोगों के बीच आ जाएगा। यह सर्वे जो किया गया है उसमें ग्रामीण स्तर के लोग शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में 73% लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है जिससे वह इस सर्वे में शामिल हो सके। 31.7% अभिभावक कोविड वैक्सीन के बाद स्कूल खोले जाने के पक्ष में। झारखंड में 31.7% अभिभावक बाजार में कोरोना वायरस वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोलने जाने के पक्ष में है। झारखंड सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के बीच ऑनलाइन परीक्षण करवाया। ऑनलाइन परीक्षण 31 अगस्त तक करवाया गया। सर्वे के अनुसार करीब 31.7% अभिभावक बाजार में कोरोना वायरस वैक्सीन आने के बाद ही स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। 88% अभिभावक सिलेबस कम करने के पक्ष में है। करीब 48% अभिभावक 50% तक सिलेबस कम करने के पक्ष में है। करीब 25% अभिभावक सितंबर में स्कूल खोलने के पक्ष में है। बीआरपी सीआरपी ने एडीपीओ के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्यालय में हंगामा और प्रदर्शन किया। बीआरपी और सीआरपी महासंघ गुमला ने सर्व शिक्षा अभियान के एडीपी पीयूष कुमार के कार्यों से नाराज होकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साथ ही अपना लंबित मानदेय की मांग किया है। एडीपीओ के खिलाफ बुधवार को बीआरपी एवं सीआरपी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालय के समक्ष हंगामा एवं प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद डीसी एवं डीओ को ज्ञापन सौंपा है। रिटायर फौजी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटककर खुदकुशी की, घर में पसरा मातम।
झारखंड के दुमका नगर थाना क्षेत्र के बाबूपाड़ा मोहल्ले में रहने वाले 26 वर्षीय युवक ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। छात्र का नाम जयंत कुमार मंडल है, वह बीटेक का छात्र है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि जयंत कुमार घर के इकलौते संतान थे। उसके पिता पवित्र कुमार मंडल रिटायर फौजी हैं और माँ रेखा मंडल दुमका शहर के एक प्राथमिक मध्य विद्यालय में टीचर है। युवक के पिता पवित्र मंडल मंगलवार को किसी काम से बाहर निकले हुए थे और माँ स्कूल गई थी। घर में युवक के अलावा उसकी दादी थी। इसी बीच उसने अपने कमरे में पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छोटा हो सकता है मानसून सत्र, सदन संचालन के लिए मंगवाई जाएगी पार्लियामेंट गाइडलाइन। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इसी महीने शुरू होना है। इसके लिए झारखंड विधानसभा कोरोना काल में सदन के संचालन के लिए पार्लियामेंट का गाइडलाइन मंगवाएगी। पार्लियामेंट द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उठाए गए कदम को झारखंड विधानसभा फॉलो करेगी। वही सत्र में भाग लेने वाली सभी लोगों को परिसर में एंट्री के समय कोविड टेस्ट रिपोर्ट की दिखाना होगा। विधायकों, पत्रकारों और विधायकों के साथ प्रवेश करने वाले अधिकृत व्यक्ति को भी कोरोना टेस्ट कराना होगा, तभी वह सत्र में भाग ले सकेंगे और विधानसभा परिसर में एंट्री पा सकेंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को व्यापक पैमाने पर पदोन्नति इसी माह। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का व्यापक पैमाने पर पदोन्नति का लाभ इसी महीने सितंबर मिलेगा। समयबद्ध प्रोन्नति के लिए पहले से निर्धारित बैठक नहीं होने पाने कारण कुछ देरी चल रही थी। कमेटी का पुनर्गठन कर लिया गया है। इसमें पूर्व में शामिल वरीय आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का की जगह पर प्रवीण कुमार टोप्पो को विभागीय समन्वय समिति के सदस्य के तौर पर अधिसूचित कर लिया गया है। झारखंड के आदिम जनजाति गांवों के बदले की सूरत, खर्च होंगे 5 करोड़ रुपये। झारखंड में निवास करने वाले विलुप्त प्राय आदिम जनजाति परिवार एवं उनके गांवों की सूरत बदलेगी। इसके लिए सरकार ने आदिम जनजाति परिवारों को पक्का घर देने के अलावा पेंशन, बच्चों की शिक्षा, गांव में पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधा बहाल करने के लिए योजना बनाई है। सरकार ने झारखंड में निवास करने वाले 8 आदिम जनजातियों के विकास में 5 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च करने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड को 5 करोड़ दिए हैं। झारखंड कैडर के पूर्व आईएएस राजीव कुमार ने संभाला नए चुना आयुक्त का पदभार। पूर्व वित्त सचिव और रिटायर आईएएस अधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वो पैनल में शामिल होने वाले तीसरे सदस्य हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल में मौजूद हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय 21 अगस्त को राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्त की मंजूरी दी। इससे पहले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। 2024 तक हर घर को मिलेगा नल का जल, मंत्री ने कहा 4000 करोड़ की योजना पर चल रहा है काम। झारखंड सरकार 2024 तक हर घर को नल का जल देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए तेजी से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। सरकार की पूरी कोशिश समय सीमा में योजना को पूरा करने का है। यह जानकारी झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झामुमो व्यावसायिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष अमितेश सहाय को दी है। पौधों की गुणवत्ता खराब निकली तो संस्था काली सूची में, डीडीसी। बुआरीजोर प्रखंड में चल रही विकास योजना की समीक्षा को लेकर बुधवार को डीडीसी अंजलि यादव ने अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंचायतवार सभी तरह के जन कल्याण और विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने प्रखंड में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजना में प्रतिदिन 100 मजदूरों को काम देने और नए डिमांड बनाने का निर्देश दिया। बिरसा हरित क्रांति के तहत फलदार पौधों की समुचित देखभाल करने को कहा। पौधा खराब ना हो, वही प्रधान संस्था द्वारा लगाए गए पौधों की जांच कराने की बात कहते हुए उन्होंने जताया कि अगर पौधे की गुणवत्ता खराब निकली तो संस्था को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान आजीविका के अवसर देकर ग्रामीणों को बना रहा है सशक्त। लाभार्थियों की सफलता की गाथाएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय कल्याण रोजगार अभियान आजीविका के अवसर देकर ग्रामीणों को बना रहा है सशक्त। लाभार्थियों की सफलता की गाथाएं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर किया गया है, ताकि इसके कारण विवश होकर अपने अपने गांव लौट चुके प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ इसी तरह के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया जा सके। सिविल सेवा अधिकारियों की फंक्शनिंग में सुधार के लिए कर्मयोगी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज कैबिनेट के दूसरे निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ। इसमें उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये 5 ऑफिशियल भाषा रहेगी। आयुष्मान योजना में शामिल होंगे सुविधा वाले अस्पताल। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में जल्द ही इजाफा होगा। इसमें कमजोर वर्ग के गरीब लाभार्थियों परिवारों को इलाज में काफी सुविधा होगी। शासन ने दिशा निर्देश जारी कर सुविधा वाले प्राइवेट अस्पतालों को योजना में शामिल किए जाने को कहा है। आयुष्मान भारत योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ ही पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। इधर COVID-19 के कारण ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में सामान्य इलाज की सुविधा पहले जैसी नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बिहार में अगस्त कोटे का सिर्फ 12% बटा अनाज, यूपी में 96%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में पूरे देश में अगस्त महीने के कोटे का 62.5% अनाज का वितरण हो पाया है। बाढ़ की आपदा से प्रभावित बिहार में PDS के लाभार्थियों के बीच PMJKIY के अगस्त महीने के कोटे का सिर्फ 12% अनाज बटा है, जबकि देश में सबसे ज़्यादातर आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने के कोटे के 96% अनाज का वितरण हो चुका है। कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जाने क्या होगा इस स्कीम के फायदे। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के जरिए कर्मचारी अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकेंगे और अपनी क्षमता में इजाफा कर पाएंगे। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह योजना एक अहम सुविधा की ओर कदम है। खबर है बिहार से। जीतन राम मांझी ने किया अपनी पार्टी का जेडीयू के साथ गठबंधन का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है, हमने जेडीयू के साथ गठबंधन किया है और NDA का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं है। पूर्व में जेडीयू में रहे मांझी ने 2015 में अपनी पार्टी बनाई थी। खबर है गोवा से। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का COVID-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को बताया कि उनका COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने लिखा, मुझे COVID-19 के लक्षण नहीं है, इसलिए मैंने होम आइसोलेशन का फैसला लिया है। मैं घर से ही काम करता रहूंगा। बकौल सावंत, पिछले कुछ दिनों में से जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उन्हें अवश्य सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। खबर है देश दुनिया से। पीएम मोदी की इस बड़ी योजना को बिहार ने किया फेल, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मारी बाजी। तो जानिए मामला को गंभीरता से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में पूरे देश में अगस्त महीने के कोटे का 62.5% अनाज वितरण हो पाया है। बाढ़ की आपदा से प्रभावित बिहार में PDS के लाभार्थियों के बीच PMJKY के अगस्त महीने के कोटे का सिर्फ 12% अनाज बांटे हैं, जबकि देश में ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अगस्त के कोटे के 96% अनाज का वितरण हो चुका है। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां अगस्त महीने के अनाज बिल्कुल नहीं बांटा है, जबकि मणिपुर और मिजोरम में 100% वितरण हुआ है। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल होंगी हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। उर्दू और अंग्रेजी के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
ओसामा को खत्म करने में मदद करने वाली नस्ल का कुत्ता करेगा दिल्ली मेट्रो की रखवाली। दिल्ली मेट्रो की सेवाओं के दोबारा शुरू होने के बाद CISR स्टेशनों की सुरक्षा के लिए पोलो नामक बेंजियन मलिनुआ नस्ल के कुत्ते को तैनात करेगा। एक अधिकारी ने कहा, यह उसी नस्ल का है जिसका इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन के खात्मे में हुआ था। दिल्ली में पहली बार किसी संस्था में इस नस्ल के कुत्तों को तैनात किया जा रहा है। सितंबर से सुबह 7 बजकर लेकर 11 बजे तक व शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और रैपिड मेट्रो। DMRC प्रमुख मंगू सिंह ने कहा है कि 7 सितंबर से दिल्ली येलो मेट्रो लाइन और रैपिड मेट्रो चलाई जाएगी और परिचालन का सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे होगा। केवल स्मार्ट कार्ड और कैशलेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अनुमति होगी। पहले फेज में DMRC योजना समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के बीच येलो लाइन शुरू करने की है। कौन कौन से 118 एप्स पर सरकार ने आज लगाए हैं प्रतिबंध, उनमें से है एक PUBG। अन्य कई गेमों में भी लगाए हैं प्रतिबंध और कई अन्य एप्सों में भी लगाए हैं प्रतिबंध। संसद के मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, शून्यकाल व अन्य कार्यवाही पहले की तरह। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि शून्यकाल व अन्य कार्यवाही पहले की तरह होगी। वही सत्र के दौरान संसद में आने वाले लोगों को अनिवार्य कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसे 72 घंटे के भीतर COVID-19 टेस्ट कराना शामिल है। सैमसंग ने लॉन्च किया नया 5G स्मार्टफोन, जल्द ही मार्केट में होगी कंपनी की ये नई रेंज। साउथ कोरियाई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग की तरफ अपने अपकमिंग डिवाइसों की लंबी रेंज पेश की है। कंपनी ने इन सभी डिवाइस को अपने लाइफ अनस्टॉपेबल नामक वर्चुअल इवेंट में पेश किया, जिन्हें अगले साल तक लॉन्च किया जाएगा। इसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ऑडियो, होम सप्लाइंस के साथ अन्य वर्चुअल प्रोडक्ट शामिल हैं। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी पोर्टफोलियो की विस्तार का ऐलान किया है। कंपनी ने गैलेक्सी पोर्टफोलियो के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी A42 5G और गैलेक्सी Z Fold 2 को पेश किया। कंपनी के मुताबिक गैलेक्सी A42 5G में 6.6 इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। फोन को इंस्टेंट कनेक्ट टेक्नोलॉजी और सुपर फास्ट डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग के साथ लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च हो गई एटम 1.0 बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाली देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, सिंगल चार्ज में चलेगी 100 किलोमीटर। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आए दिन वाहन निर्माता कंपनी एक से बढ़कर एक मॉडलों को पेश करने में लगी है। विशेषकर इलेक्ट्रिक दो पहिया सेगमेंट में स्टार्टअप कंपनियों ने तेजी से सक्रियता दिखाई है। अब हैदराबाद की एक और स्टार्टअप कंपनी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एटम 1.0 को लॉन्च किया है। टैक्स से मालामाल हो रही है सरकार, जानिए एक लीटर पेट्रोल डीजल पर कितनी होती है कमाई। पिछले 15 दिनों में देश में पेट्रोल की कीमत में लगभग हर दिन बढ़ोतरी हुई है। यह 1.65 रुपये महंगा हो गया है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 82.08 रुपये है, वहीं डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि एक लीटर तेल में से सरकार को टैक्स के रूप में कितने पैसे मिलते हैं और इसमें डीलर की कितनी कमाई होती है। समझे उदाहरण के तौर पर, पेट्रोल की कीमत में से आधे से ज़्यादा पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है। IOCL की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री कीमत 26.10 रुपये हैं, जिनमें अगर फ्रेंट ढुलाई जैसे खर्च जोड़ दिए जाए तो यह 26.46 रुपये हो जाता है। यानी टैक्स के बिना डीलर्स को पेट्रोल 26.46 रुपये का पड़ रहा है। अब बात करते हैं टैक्स की। इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32.98 रुपये, डीलर कमीशन 3.70 रुपये और राज्य सरकार का वेट 18.94 रुपये जुड़ता है। इन खर्चों के बाद कुल मिलाकर पेट्रोल की कीमत 82.08 रुपये हुई है। SBI के ग्राहक हैं तो ध्यान दें, आपके पास भी आए ये मैसेज तो हो जाएं सावधान।
एटीएम से जुड़ी धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अगर आप एटीएम में जाते हैं और अपना बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो एसबीआई आपको एसएमएस भेजकर अलर्ट करेगा। इस सुविधा से कोरोना वायरस महामारी के कारण बढ़ रहे एटीएम धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को सतर्क रहने को कहा। बैंक ने कहा कि अगर आपके द्वारा मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस की जानकारी नहीं मांगी गई है तो बैंक आपको एसएमएस के जरिए अलर्ट करेगा। एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा कि अब हर बार जब हमें एटीएम के माध्यम से बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट के लिए अनुरोध मिलेगा तो हम अपने ग्राहकों को एक एसएमएस भेजकर संकेत करेंगे ताकि वे अपने डेबिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर सके। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सतर्क रहने के लिए कहा और अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है जिसमें ग्राहक ने मिनी स्टेटमेंट नहीं मांगा है तो इसकी जानकारी तुरंत बैंक को दें। एसबीआई ने कहा, जालसाज आपके बैंक खाते में सेंध लगाने के लिए ऐसी साजिश कर सकते हैं। बिजली सप्लाई को लेकर सरकार लेगी बड़ा फैसला, कंपनी और ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। ऊर्जा मंत्रालय राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल को सुधार आधारित प्रोत्साहन पैकेज योजना से जुड़ा प्रस्ताव सौंप सकता है। हालांकि केंद्र सरकार हर डिस्कॉम के प्रदर्शन के आधार पर पावर सेक्टर को फंड्स मुहैया कराएगी। बता दें कि सुधार आधारित प्रोत्साहन योजना फंड के तहत 3.12 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें कि बिजली सेक्टर को आर्थिक पैकेज देने के पीछे सरकार का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना है, क्योंकि बिना पैसों के बिजली ऊर्जा क्षेत्र के लिए सुधार योजना के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की डिस्कॉम का वित्त वर्ष 2020-21 में निजीकरण किया जाएगा। इसमें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार की डिस्कॉम शामिल है। इसके अलावा दादर नागर हवेली और दमन दीव की डिस्कॉम को भी निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से राज्यों की डिस्कॉम 68,000 करोड़ रुपये को मंजूरी दे दी गई है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, चलने वाली है कई स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में कुछ और स्पेशल ट्रेनें चला सकते हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक अधिक स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत भी की जा रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों की अधिक सुविधा के लिए और स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।